नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित युवाओं की बैठक स्काउट एंड गाइड के हॉस्टल में आयोजित की गई। इसमें एसोसिएशन के प्रधान सत्यवान समेत कई युवाओं ने हिस्सा लिया। 12 जनवरी को आयोजित राज्य युवा उत्सव का युवा काली पट्टी बांधकर विरोध करेंगे। युवाओं ने मुख्यमंत्री से जल्द अपनी घोषणा पर अमल करने की मांग की है। इस बैठक के बाद राष्ट्रीय यूथ अवार्डी एसोसिएशन के राज्य प्रधान सत्यवान ने रोष जताते हुए कहा कि 12 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की थी कि वे हरियाणा राज्य के राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित युवाओं को हरियाणा में रोजगार के साथ साथ मानदेय भी देंगे, लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी उनकी ये घोषणा केवल घोषणा ही बनकर रह गई है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि वे जल्द से जल्द अपनी घोषणा को अमल में लाएं, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित युवाओं को रोजगार मुहैया कराएं। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित युवा 12 जनवरी को आयोजित राष्ट्रीय युवा उत्सव कार्यक्रम में सिर पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रकट करेंगे। अम्बाला निवासी युवा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित विक्की शर्मा का कहना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 12 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित युवाओं को रोजगार देने की घोषणा की थी, उसको जल्द से जल्द अमल में लाएं, क्योंकि उन्होंने युवाओं से वादा किया था कि वे जल्द ही उन्हें रोजगार मुहैया करवाएंगे। रुचि शर्मा ने कहा, यदि एक साल बीत जाने के बाद भी वे युवाओं को रोजगार उपलब्ध नहीं करवा सकते हैं तो युवा उत्सव मनाने का क्या फायदा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि वे अपनी घोषणाओं को अमल में लाते हुए युवाओं को जल्द से जल्द रोजगार उपलब्ध करवाएं। अम्बाला से हमारे विशेष संवाददाता सुरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। मेरा नाम रुचि शर्मा है, मैं अम्बाला से हूँ और नारनौल से राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता हूँ। मुझे राष्ट्रपति के हाथ से ये पुरस्कार मिला था। मैं मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहूँगी कि जो आपने वादे किए थे, आपने एक वीडियो जारी की थी और सभी न्यूज़पेपर्स वगैरह में इसकी कटिंग थी, तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगी आप अपने वादों को पूरा करें, क्योंकि आपके वादे को पूरा एक साल हो चुका है और युवा दिवस आने वाला है। फिर क्या महत्व रह जाएगा युवाओं का? क्यों आप वो दिन मना रहे हैं जब आप युवाओं को दिए हुए वादे को पूरा ही नहीं कर सकते? मैं उनसे कहूंगी, मुख्यमंत्री महोदय से, कि प्लीज आप अपने वादे को पूरा करें और हम लोगों को कहीं ना कहीं सेटल करें। है, मैं क्या नाम है जी? सत्यवानी कस मेरा नाम है और जो हमारी नेशनल यूथ अवार्डी एसोसिएशन हरियाणा की है उसका मैं हरियाणा का प्रधान हूँ। और आज हम इसलिए इकट्ठे हुए थे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 12 जनवरी 2022 को एक घोषणा की थी कि हरियाणा राज्य के जितने भी राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित युवा हैं उनको हम हरियाणा के खेल एवं युवा कल्याण विभाग में रोजगार देंगे और जो युवा नौकरी की उम्र से निकल चुके हैं उनको हम मानदेय देंगे। लेकिन एक साल का समय बीत जाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, तो हमने एक निर्णय लिया है कि जो हरियाणा सरकार राज्य युवा उत्सव मनाएगी उसका सभी हरियाणा राज्य के राष्ट्रीय युवा पुरस्कार सम्मानित युवा अपने सिर पर काली पट्टी बांध कर रोष प्रकट करेंगे और मुख्यमंत्री महोदय को अपनी घोषणा याद दिलवाएंगे। इसके अलावा हम सभी अपने अपने हलके के विधायकों भी एक एक मांग पत्र हमारी एसोसिएशन की तरफ से देंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।